नमस्कार विद्यार्थियों आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आर पी एस सी विथ नवीन सैनी में स्वागत है विद्यार्थियों हम साइकोलॉजी पढ़ रहे थे और साइकोलॉजी में अपनी यूनिट थर्ड चल रही है सेकेंड ग्रेड की यूनिट थर्ड और उसमें आज हम पढ़ेंगे आ, क्लास नंबर पाँच के अंतर्गत आज अपनी ये क्लास नंबर पाँच है बाकी की जो चार क्लास है वो आपकी प्ले में उपलब्ध है आप वहाँ जाकर उसका अध्ययन कर सकते हैं तो पाँचवीं क्लास में आज हम पढ़ेंगे नैतिक विकास का सिद्धांत जिसके प्रतिपादक थे कोहल बर्ग ठीक है ओके तो अब इसको हम पढ़ना शुरू करते हैं देखिए विद्यार्थियों पहला क्वेश्चन यहीं से बनता है कि नैतिक विकास का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया इसके प्रतिपादक कौन थे तो पहला क्वेश्चन यहाँ से कोहल बर्ग ठीक है दूसरा क्वेश्चन क्या होगा कि नैतिक विकास की कोहल बर्ग ने कितनी अवस्थाएं बताई तो आप खुद देखिए ये एक और ये दो ये देखो इंटरनली पूछे तो कितने तीन चार और ये पाँच छः टोटल छः अवस्थाएं बता दी ठीक है किसकी आपके जो ये कोहल बर्ग का सिद्धांत है नैतिक विकास का इसकी अब इसमें क्या हुआ कोहल बर्ग ने क्या किया नैतिकता से संबंधित कहानियां सुनाकर अपेक्षित व्यवहारगत एक देख, परिवर्तन देखने का प्रयास किया उन्होंने अपनी प्रमुख कहानी हेंज की दुहिदा से नैतिकता को स्पष्ट किया उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी उन्नीस में साइकोलॉजी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट और उस बुक को संशोधित किया उन्नीस में और कोहलबर्ग ने नैतिक विकास की मुख्यतः बताई है और प्रत्येक अवस्था के कितने चरण बताए हैं दो भाग्य चरण ठीक है और इन्होंने नैतिकता की व्याख्या है वो विकास को मुख्यतः किस आधार पर बताया है तर्कणा के आधार पर तो अब क्वेश्चन क्या बनेगा वो मैं बता देता हूं आपको सबसे पहले बात सबसे इंपॉर्टेंट बात भी यही है कि क्वेश्चन आखिर कैसे आएगा तो देखो कोहल वर्ग ने नैतिक विकास देखो मुख्य मुख्य अवस्थाएं बोले तो आपको तीन अवस्थाएं बतानी है ठीक है और यदि आपके तीन ऑप्शन में नहीं हो चार पांच छह सात हो तो फिर आपको कितने बताने छह क्योंकि तीन अवस्थाएं हैं और प्रत्येक के भाग कितने दो दो है ठीक है तो ऐसे हो जाएगा और यदि आपसे पूछे कोहलबर्ग के नैतिक विकास के चरण कितने तो चरण कितने हो जाएंगे चरण हो जाएंगे छे अवस्थाएं हो जाएगी तीन और तीन ऑप्शन में नहीं हो चार पांच छह सात हो तो फिर छ करना है आगे बात समझ में तो एक क्वेश्चन ये पक्का ठीक है एक क्वेश्चन प्रतिपादक वाला ये कन्फर्म तो कोहलबर्ग ने नैतिकता से संबंधित परिवर्तन देखने का प्रयास किया किसके माध्यम से कहानियां सुनाकर इन्होंने कहा नैतिकता से संबंधित कहानियां सुनाओ और बच्चे में नैतिकता डेवलप होगी क्वेश्चन नंबर तीन ये क्वेश्चन नंबर दो साइकोलॉजी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट के पुस्तक के लेखक हैं ये आपका क्वेश्चन नंबर तीन ठीक है तीन क्या चार क्वेश्चन नंबर चार कब लिखी इसकी सन भी बहुत महत्वपूर्ण है ये क्वेश्चन नंबर पांच तो हैंज की दुविधा से संबंधित जो प्रसिद्ध कहानी है उसके माध्यम से नैतिकता में परिवर्तन लाने का प्रयत्न परिय, किसने किया तो क्वेश्चन नंबर ठीक है तो ये कोहलबर्ग होगा इसका आंसर तो इतनी चीजें नैतिक विकास की अवस्थाओं को त्रकणा के आधार पर किसने मतलब प्रतिपादित किया या जो है जो कोहलबर्ग का नैतिक विकास है उसकी उसका जो मुख्य आधार है वो है तो वो है त्रकणा तो एक क्वेश्चन नंबर सात तो ये इसके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन अब देखिए अब कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास की अवस्थाएं तो इन्होंने कहा देखो कि भाई तीन अवस्थाएं एक पूर्व परंपरागत नंबर एक पूर्व परंपरागत एक है परंपरागत एक नंबर तीन है उत्तर या पश्च परंपरागत उत्तर या पश्च परंपरागत ठीक है तो ये तीन चीजें हैं अब देखो प्रत्येक को दो दो भागों में बांटा हुआ है एक दो तीन चार और ये पांच और ये छह आगे बढ़ते हैं अब देखो कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास की अवस्थाएं कितनी हैं आपके मेनली कितनी मुख्यतः तीन तो पूर्व परंपरागत इसी को प्राक रूडिवादी बोलते हैं इसी को प्री कन्वेंशनल बोलते हैं अब देखो अब आगे आएगी उसको क्या बोलेंगे परंपरागत रूडिवादी और कन्वेंशनल अब इसके बाद में आएगी उसको बोल देंगे पश्च रूढ़ीवादी उत्तर परंपरागत और पोस्ट कन्वेंशनल ठीक है अब इनका मेन क्या है मेन है इनका जो एज वाला क्राइटेरिया है ना वो तो इनका एज का क्राइटेरिया मैं आपको बता देता हूँ जैसे ये आपके पूर्व परंपरागत है तीन से नौ साल ये है आपकी नौ से पंद्रह सोलह साल और आगे वाली है वो सोलह वर्ष से अधिक में आ जाएगी समझ में आई बात ऐसे हो जाएगी अब ये तीन से नौ वाली दो स्टेज में आ जाएगी तीन से छ वर्ष छ से नौ ये दो में आ जाएगी नौ से बारह और बारह से पंद्रह ठीक है और फिर इस आगे वाली को ऐसे बांट देंगे कि पंद्रह से लेके अठारह तक और अठारह वर्ष से अधिक ऐसे बांटी हुई तो हो गया फंडा क्लियर अब आते हैं पहली है आपके पूर्व परंपरागत प्राक रूडिवादी और प्री कन्वेंशनल पूर्व परंपरागत प्राक रूडिवादी एंड प्री कन्वेंशनल तो ये चीजें हैं तो इस अवस्था में क्या है आयु होती है तीन से नौ वर्ष इसको भी दो टुकड़ों में बांटा हुआ है तीन से छ और छ से नौ तो इन्होंने कहा कि जो तीन से छे वर्ष की आयु होती है वो दंड आज्ञा पालन की उन्मुक्ता की अवस्था होती है वो बोले कैसे कि इस अवस्था में बच्चा अब ये बात करेंगे नैतिकता की घूम फिर के बात करेंगे नैतिकता की कोहलबर्ग तो कोहलबर्ग ने कहा कि तीन से छे साल का बच्चा दंड के भय के कारण नैतिक आचरण को अपनाता है कि अभी ये कार्य मैं ऐसा नहीं करूंगा ये नैतिक कार्य मैं नहीं करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा दंड मिलेगा देखो इसके अंतर्गत दंड के भेद से नैतिक आचरण को बालक है वो अपनाता है और इस अवस्था में बालक केवल दंड के भेद से किसी कार्य या व्यवहार को करता है या नहीं करता है तथा वही करता है जो करने के लिए उसे घर के बड़े सदस्य कहते हैं ये बात कही इन्होंने दंड या आज्ञा पालन की उन्मुक्ता वाली अवस्था है पूर्व परंपरागत तीन से छ साल के बच्चों के लिए उनके लिए बोली अब बात आई सर क्वेश्चन कैसे आएगा क्वेश्चन सीधा ऐसे ही आएगा कि दंड या आज्ञा पालन की उन्मुक्ता है तो वो कोलबर्ग की किस अवस्था का भाग है तो पूर्व परंपरागत प्राकृतिवादी और प्री कन्वेंशनल का भाग है और अप्लाइड क्वेश्चन देगा तो ऐसे देगा कि एक बच्चा दंड के भय से नैतिक आचरण को अपनाता है तो बताइए वो कोलबर्ग के अनुसार किस अवस्था का और किस चरण का है तो चरण तो है दंड या आज्ञा पालन की उन्मुखता का और अवस्था है पूर्व परंपरागत ठीक है तो इसमें बच्चा कोई अच्छा कार्य करता है तो भी इसलिए करता है कि घर के बड़े लोगों ने इसे इस कार्य को करने के लिए बोल रखा है और यदि नहीं किया तो घर के मारेंगे ठीक है घर वाले मारेंगे उसको और यदि कोई कार्य करने से कतराता है तो भी इसलिए कतराता है नहीं करता है तो भी इसलिए नहीं करता है कि घर के बड़े वाले हैं वो आके मारेंगे जूते आगे देखो अब आती है छह से नौ साल के बालक की बात तो इसमें होता है साधनात्मक अनुबंध साधनात्मक अनुबंध हो जाता है ना जैसे घंटी का लार के साथ होता है आपके उता लार टपकाता पावलो वाला वैसे और लालच की उन्मुक्ता ये अवस्था इसमें क्या होता है इस अवस्था में बालक केवल उस व्यवहार या आचरण को अपनाता है जिसके द्वारा उसे कोई पुरस्कार मिलना तथा उसके बदले ही वे किसी का कहना मानना या वस्तु देना जैसे कार्य करना इस अवस्था में उसका व्यवहार लालच को दर्शाता है अब क्या है उसके सीधा सिस्टम है बच्चे के कि देखो भाई नैतिक आचरण में जरूर प्रदर्शित कर दूंगा कोई बात नहीं आप बोलोगे मैं वैसा ही कर दूंगा जैसा आप कहो लेकिन मुझे क्या मिलना चाहिए? मुझे मिलना चाहिए प्राइस। क्या मिलना 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 चाहिए 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 मुझे भाई ठीक है तो अब उसको अब बालक कोई अब वो लालची हो गया लालच को प्रदर्शित करता है छह से नौ साल का बच्चा टोपी दी तो बस ये काम कर दिया अच्छे से बैठना अच्छे से रहना तो खुद के जूते पॉलिश कर लेना शाम को मैगी दिलवाएंगे आपको मैगी खिलाएंगे तो बस बच्चा सीधा ही वो काम करेगा तो ये होती है छह से नौ वर्ष की अवस्था और ये साधनात्मक अनुबंध और लालच की उन्मुखता के अंतर्गत आता है ये चरण और ये भी पूर्व परंपरागत और प्राक रूडिवादी प्री कन्वेंशनल का भाग है अब बच्चा थोड़ा और बड़ा आता है और वो हो जाता है आपका नौ से बारह का तो अब हम इसको पढ़ेंगे अब देखो सेकेंड स्टेज आ गया है परंपरागत रूडिवादी और कन्वेंशनल स्टेज ये इसी के नाम है ऐसे तो इसमें देखो इसमें एज क्राइटेरिया है नौ से पंद्रह इसको भी दो भागों में तोड़ा हुआ है नौ से बारह और बारह से पंद्रह तो इसमें क्या होता है तो इसका पढ़ते हैं अपन इसका क्या होता है इसमें तो इसमें अच्छा बालक अच्छी बाली का उन्मुखता यह पहली स्टेज होता है पहला स्टेज होता है इसका इसका परंपरागत का तो इन्होंने कहा कि यह वे अवस्था होती है जिसमें एक बालक किसी भी व्यवहार के बारे में समझने लग जाता है कि उसे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए तथा उसी व्यवहार को करता है जिसके करने से लोग उसकी प्रशंसा करें अब देखो अब बच्चा नौ साल से बड़ा हो गया है नौ से बारह के बीच का है अब वो क्या करता है वो अच्छे तरीके से लोगों के व्यवहार को समझने लग गया है कि देखो भाई समाज में ये कार्य करते हैं ना तब तो बोलते हैं कि ये नालायक है और जब हम ये कार्य करते हैं तब वो बोलते हैं कि अरे शबास बेटा अच्छा अच्छा तो ये कार्य समाज में अच्छा है और ये कार्य समाज में बुरा है ये बात बालक समझने लग जाता है तो अब वो कैसा कैसा नैतिक आचरण करता है कैसा कैसा व्यवहार प्रकट करता है तो बालक अब वही कार्य करता है जिसको करने पर बाकी समाज के लोग उसकी क्या करें प्रशंसा करें तो अब वो अच्छा बालक बनना चाहते हैं अच्छी बालिका बनना चाहते हैं तो ये अच्छा बालक अच्छी बालिका उन्मुखता आगे बात समझ में अब क्वेश्चन सीधा देगा आप देखो सेकंड ग्रेड लेवल का संज्ञानात्मक बोधि किस तरह है आपका आप सीधा समझ जाओगे जैसे बोले कि मोहन किसी कार्य व्यवहार को इसलिए करता है क्योंकि ऐसा करने पर उसके घर वाले समाज के सभी लोग उसकी तारीफ करते हैं तो बताइए मोहन है वो कोहलबर्ग के अनुसार किस स्टेज का है तो वो परंपरागत रूढ़ीवादी कन्वेंशनल स्टेज का है और वो अच्छा बालक अच्छी बालिका उन्मुक्त चरण में है और वो नौ से बारह वर्ष का है ये लो आगे आती है अब बच्चा और बड़ा हो गया अब बारह से पंद्रह वर्ष का हो गया तो अब सामाजिक व्यवस्था उन्मुक्ता की स्टेज आ गई अब इसमें क्या होता है कि इस अवस्था के आने तक बालक पूर्ण परिपक्व हो जाते हैं और यह है पूर्व किशोरावस्था का काल होता है बिल्कुल पूर्व किशोरावस्था है बारह से लेकर पंद्रह साल तक ठीक है और इसलिए व्यवस्थाओं को सही रूप में समझने लग जाते हैं अब उनको व्यवस्थाएं समझ में आती है तथा तो सामाजिक स्तर की व्यवस्थाओं को बनाए रखने की दिशा में कार्य करते हैं और पूरी तरीके से रूल एंड ऑर्डर को फॉलो करने लग जाते हैं अब देखो पहली बात तो वो खुद को ऐसा समझने लग जाते हैं कि यार अब अपन काफ़ी बड़े हो गए हैं अब अपने को अच्छे तरीके से रहना चाहिए और अब उनको हर चीज़ से उनकी भावनाओं को ठेस पहुँचती आप मतलब वो समाज में कहीं खड़े हैं और आपने बोल दिया कि अरे छोरा नीचे बैठ जा तो ऐसा कुछ बोल दिया तो उनको क्या होता है सीधा ही खटकता है दिमाग में कि ऐसा नहीं होना चाहिए यार समाज है समाज में इज्जत है अपनी भी इज्जत है कि नहीं ठीक है भाई बेरोजगार है लेकिन इज्जत तो है तो और देखो हालांकि बेरोजगार यहाँ नहीं कहलाएंगे यहाँ पे विद्यार्थी हैं वो ठीक है पढ़ रहे हैं अब देखो अब उनका क्या है कि वो पूरी तरीके से रूल एंड ऑर्डर को फॉलो करेंगे चप्पल किसी की उल्टी रहेंगे तो बोले सीधी करो ऐसा ऐसी इस गंदी बात होती है मम्मी ने बोल रखा है पापा ने बोला है कि ऐसा करके ऐसा करना चाहिए हम क्या है समाज में रहते हैं तो वो समाज के पूरी तरह रूल एंड ऑर्डर फॉलो करते हैं आप बारह से पंद्रह साल के बच्चों को वहां पे शादी वगैरह ब्याह में देखना कोई चीज है तो उसको सही करेंगे बढ़ चढ़ कर भाग लेंगे कहीं पानी की व्यवस्था का किन्हीं ने जिम्मा संभाल लिया तो अब देखो भाई पूरे दिन कुछ भी हो जाए लेकिन पानी का जिम्मा अब उन्हीं के हाथ में तो शादी ब्याह में मास्टर लोग होते हैं ना वो ऐसे ही लोगों को पकड़ पकड़ के रखते हैं क्योंकि उनको साइकोलॉजी का ज्ञान होता है अब आपको भी है अब आपको पता है चल गया ना तो अब आप बच्चों से काम करवा लोगे आराम से है ना तो एक फायदा ये भी है साइकोलॉजी पढ़ने का तो ये चीज़ होती है आगे बात समझ में अब आप याद कैसे रखोगे याद ऐसे रखोगे सामाजिक व्यवस्था समाज की व्यवस्था समाज की व्यवस्था को बनाए रखने के लिए आपको ऑर्डर और रूल का ज्ञान होना चाहिए ऑर्डर एंड रूल का आपको ज्ञान होना चाहिए तो बस सामाजिक व्यवस्था उन्मुखता ऑर्डर एंड रूल को पूरी तरह फॉलो करते हैं ऐसे आप कनेक्टेड की वर्ड रखने ठीक है अब आगे बढ़ते हैं अब अगला है अपना अगला है पश्च रूढ़ीवादी और उत्तर परंपरागत पोस्ट कन्वेंशनल स्तर तो अब ये तीसरा आ गया अपना लास्ट फाइनल यहां पर पहुंच गए अपन पढ़ते पढ़ते अब इसमें क्या है अब इसमें भी दो भागों में बांटा हुआ पंद्रह वर्ष से अधिक है तो पंद्रह वर्ष से अधिक पश्च रूढ़ीवादी उत्तर परंपरागत पोस्ट कन्वेंशनल है इसमें पहला है सामाजिक बंधन की उन्मुक्ता 15 से 18 वर्ष और सार्वत्रिक नीति उन्मुक्ता की अवस्था 18 वर्ष से अधिक तो अब अब इसमें क्या होता है देखो पहले छोरी समझते हैं फिर आपको समझा देंगे इस अवस्था में वह उत्तर किशोरावस्था में होता है इस अवस्था में बालक किसमें होता है उत्तर किशोरावस्था में होता है मतलब किशोरावस्था का ढलता क्रम आ गया है और किसी भी कार्य को केवल सामाजिक बंधन एवं परंपरा के अनुसार ही करता है इसमें बालक क्या करते हैं किसी भी कार्य को सामाजिक बंधन के अनुसार कर रहे हैं कि भाई ये परंपरा से ऐसा होता आ रहा है तो हमें भी इसको फॉलो करना चाहिए और हम भी ऐसा करेंगे ठीक है तथा उन्हें बनाए रखने में सहयोग करने लगता है तो और कि भाई ये समाज के जो रूल एंड ऑर्डर बने हुए तो हमें भी इन रूल एंड ऑर्डर को फॉलो करना है इनको भंग नहीं करना है मंदिर में सब जा रहे हैं जूते उतार रहे हैं तो अपने को भी जूते उतारने आई बात समझ और इसमें ऐसा भी सोचते हैं कि देखो परंपराएं भलाई के लिए और यदि भला नहीं हो रहा है कोई क्रूतियां तो उनको मिटाओ ऐसा हो रहा है ये सही है तो ये सही है ये गलत है तो ये गलत है ये परंपरा सही है तो इसको सभी फॉलो करो और ये परंपरा नहीं है ये कुरीति है तो इसको मिटाओ तो ये चीज आती है सामाजिक बंधन की उन्मुक्ता में मतलब यहां से वो समाज के बंधन में बंधना शुरू हो जाता है आगे बात समझ में आगे है सार्वत्रिक नीति उन्मुक्ता की अवस्था अठारह वर्ष से अधिक इस अवस्था में व्यक्ति क्या करता है पूर्ण रूप से प्रौढ़ता में आ जाता है और केवल उसी व्यवहार को करता है जिसके लिए सार्वत्रिक रूप से सामाजिक स्तर पर मान्यता मिल जाती है अर्थात ये हर तरीके से समाज में वैलिड है ये चीज ठोस है बस उसी पर वो बालक क्या करता है कार्य करता है और ऐसा कार्य जिसे समाज के एक बड़े तबके की भलाई हो तो करते हैं तो इसमें देखा करो उदाहरण के तौर पर आपको मिलेंगे कि गौशाला में कार्य करने के लिए गांव के युवाओं का एक ग्रुप बना हुआ है तो वो ऐसा करते हैं श्रमदान में युवाओं का एक ग्रुप बना हुआ है वो ऐसा करते हैं मंदिर में सफाई के लिए युवा पीढ़ी का एक ग्रुप बना हुआ है ठीक है और वहाँ पर भी देखना मास्टर लोग हैं वो पाँच दस युवाओं को ऐसे लाएंगे और वो गुरुजी गुरुजी वो जैसा गुरुजी बोलेंगे वो वैसा ही करेंगे तो वो यही अवस्था है मास्टर जी ने अच्छी खी साइकोलॉजी पढ़ रखी है ठीक है तो ये और चीज़ सही भी है वैसे कोई गलत नहीं एज के हिसाब से जो गुण होते हैं उसी के अनुसार उनको डायरेक्शन भी दे दी जाती है और इनसे अच्छे गुणों का भी विकास होता है ठीक है और शिक्षक वैसे भी समाज को दिशा देते हैं समाज के मार्गदर्शन होते हैं ठीक तो ये चीज़ है तो जिससे समाज के बड़े तबके की भलाई हो आगे बात समझ में और इसी के साथ आपका ये कोहल बर्ग वाला टॉपिक है वो कंप्लीट है तो ये कोहल बर्ग वाला टॉपिक कैसा लगा आपको और ये पी आप प्राप्त करना चाहते हैं तो इन नंबर पर आपको अपना नाम और डिस्ट्रिक्ट लिख के सेंड करना है आपको पी मिल जाएगी और टेलीग्राम जो चैनल बना हुआ है हमारा उसका लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है वहाँ से आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं और इसके अलावा सेकंड ग्रेड का भरपूर कंटेंट है वो एकदम पूरे के पूरे निशुल्क और साथ ही साथ पीडीएफ्स वगैरह सब फ्री में उपलब्ध है तो इसके लिए आप चैनल पर भ्रमण जरूर कीजिएगा इधर उधर जाइए प्ले में पूरा खंगालिए क्या क्या है बहुत कुछ है मैथ्स के टीचिंग मेथड आज हमने कंप्लीट कर दिए जो विद्यार्थी बाईस दिन तक हमारे साथ बने हुए थे उनके मैथ्स के टीचिंग मेथड क्लियर बस चालीस नंबर का मामला मुठ्ठी में तो आप भी जाइए और उनको आनंद लीजिए हम कोई भी चीज़ हटाते नहीं है सब का सब ऑफलाइन सेव है आप जाकर प्लेलिस्ट में और सब चीज़ों को संभालिए देखिए क्या है क्या नहीं है ठीक है विद्यार्थियों तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद जय भारत